नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरिश है। मैं छठी कक्षा यहाँ में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने मैं सिर्फ कृष्ण जी की बात करूँगा आज। जब कृष्ण जी गीता ज्ञान दे रहे थे अर्जुन जी को, ठीक है, तो फिर सबसे पहले कृष्ण जी ने, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि वो बहुत लंबा बोल रहा था उन्होंने, मतलब 2 एपिसोड्स का था, आप देख सकते हो उनको, ठीक है। तो फिर वो सोचा कि अर्जुन जी ने जब युद्ध आरंभ होने वाला था, तब मान लो इधर अर्जुन सेना थी और इधर दुर्योधन सेना, मतलब गंगा पुत्र भीष्म सेना, ठीक है। तो फिर अर्जुन जी ने कहा, उनका उनके जो सारथी थे, मतलब ड्राइवर, मतलब जो रथ चलाने वाले थे, वो थे कृष्ण जी, ठीक है। आप तो जानते ही है, वो कृष्ण जी तो राम भी है, राम जी भी है, विष्णु जी भी है, है ना। तो फिर इधर कृष्ण जी रथ के सारथी थे, और इधर का पता नहीं क्योंकि उनके नाम का पता नहीं था मुझे, ठीक है। तो फिर अर्जुन जी ने बोला कि वो रथ को जो पूरी वो युद्ध भूमि थी ना, युद्ध भूमि मतलब लड़ाई का स्थान, वो उसके बीच में आप देख सकते हैं, वो क्या बोलते हैं, आप देख सकते हो उसको एपिसोड 73 में गीता ज्ञान देखना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, इससे ही आप अच्छे मार्ग पे चल पाओगे, अच्छे मार्ग, ठीक। अर्जुन जी ने बोला कि वो अपना रथ जो युद्ध भूमि है ना, उसके बीच में ले जाए। तो फिर वो आगे बढ़े, कृष्ण जी वो तो सारथी, उनकी बात माननी पड़ेगी, उनका तो बस समझाने का काम है, ठीक है। तो फिर वो आगे ले चले, आगे आगे, ठीक है। तो फिर गंगा पुत्र भीष्म को लगा कि गंगा पुत्र भीष्म गंगा माँ के बेटे, ठीक है। तो फिर उन्होंने उनको एक इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, ठीक है, मतलब कभी भी हो सकते अपने आप, मतलब जब वो चाहे तब वो उनकी डेथ हो सकती है। ये देखिए वो आगे बढ़े, ठीक है। गंगा पुत्र भीष्म को लगा कि वो क्या बोलते हैं, गंगा पुत्र भीष्म को लगा कि वो युद्ध के लिए अकेले आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने वाण चलाने की कोशिश की, तभी द्रोणाचार्य ने आवाज दी, वो कि द्रोणाचार्य मतलब अर्जुन जी के गुरु। तो फिर उन्होंने आवाज दी कि वो रो गया है, ठीक है। देन उधर से हमारा गीता पाठ स्टार्ट होता है, ठीक है। जब वो रुके तब अर्जुन जी ने बोला कि मुझे अपने पितामह मतलब गंगा पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, और क्योंकि वो उनके गुरु, और कृपाचार्य भी वो द्रोणाचार्य के भाई है, छोटे भाई, पता नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं श्योर नहीं हूँ कि वो उनके भाई है, मतलब छोटे भाई। तो फिर कृपाचार्य भी है, और जो अर्जुन जी के सारे भाई, मतलब गांधारी पुत्र जो अर्जुन जी थे, वो कौन्तेय थे, ठीक है, कौन्तेय, और कृष्ण जी उनको पार्थ और कौन्तेय दोनों बुलाते थे, ठीक है। जब उन्होंने रथ बीच में रोका, तब उधर से गीता पाठ हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है।
उन्होंने बोला कि मुझे अपने द्रोण पितामह गुरु और कृपाचार्य के ऊपर, वो भी गुरु थे ठीक है, मुझे अपने गुरु पे हाथ और मेरे भाई मतलब दुर्योधन दुशासन ये सब ठीक है, ये जो है। और हाँ एक बात तो सबसे जरूरी है कि दुर्योधन के 100 भाई थे, 100 भाई, और वो युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे मतलब भाग ले रहे थे वो ठीक है। देन जब उन्होंने बोला अर्जुन जी ने कि मुझे मुझे गंगा पुत्र भी पितामह दो गुरुओं और मेरे भाइयों के साथ लड़ने में डर लग रहा है क्योंकि है तो वो मेरे भाई ले और वो मुझ से नफरत करते हैं लेकिन वो मेरे भाई तो है। तो फिर कृष्ण और पितामह द्रोणाचार्य और कृपाचार्य तो मेरे साथ बहुत बड़े हैं, उनके ऊपर मैं हाथ कैसे उठाऊंगा। तो फिर कृष्ण जी ने कहा देखो वत्स मतलब देखो पार्थ मतलब अर्जुन जी, अपना कर्म करने में कोई हर्ज नहीं है, अपना कर्म करो और कर्तव्य निभाओ अपना। अब देखो अगर तुम डर जाओगे तो फिर वो तुम्हें पाप लगेगा। फिर अर्जुन और फिर और कृष्ण जी ने बोला अगर ये सब कृष्ण जी ने बोला, ये अर्जुन जी ने बोला था कि अपने वो मैं अपने पितामह द्रोणाचार्य ये सबसे लड़ने में डर रहा हूँ ठीक है। तो फिर कृष्ण जी ने बोला था कि देखो देखो पार्थ देखो पार्थ मैं अभी तुमसे ये कह रहा हूँ कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो मतलब अपना कर्तव्य निभाओ, और अपना कर्तव्य नहीं भुलाओ निभाओगे तो फिर तुम्हें पाप लगेगा। वो कैसे? फिर अर्जुन जी ने बोला वो कैसे? देन उसके बाद कृष्ण जी ने बोला कि कृष्ण जी ने बोला देखो सब, उन्होंने बोला सब, उनका मतलब था सब इक्वल होते हैं मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, लेकिन जो गलत पक्ष का साथ दे रहे हो उन्हें मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। और एक बात तो है, उन्होंने बोला था कि ज्ञान और कर्म का रास्ता, दो दो रास्ते, ज्ञान और कर्म का रास्ता ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि, और हाँ सबसे जरूरी चीज, कर्म का मतलब होता है काम, अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करोगे तो बुरा फल ठीक है। तो फिर ज्ञान और कर्म ठीक है। तो अर्जुन जी ने बोला मैं ज्ञान का रास्ता क्यों नहीं, अच्छा ज्ञान का रास्ता क्यों नहीं ले सकता? देखो पार्थ उसमें भी तो कर्म ही होता है, ऐसा तो नहीं है कि कर्म नहीं होगा ये सब नहीं होगा, कर्म होते हैं। जैसे कि कोई कोई खेल रहा है उसे कर्म कहते हैं, कोई कोई पढ़ाई कर रहा है उसे कर्म कहते हैं, कोई सो रहा है उसे कर्म कहते हैं, कोई जाग रहा है उसे कर्म कहते हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है। और अगर आप ज्ञान का रास्ता भी वो करोगे तो फिर अगर आप दो मतलब अगर आप दोनों रास्ते वो करोगे तो फिर वो कहलाएगा स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मतलब वो होता है कि स्थित प्रज्ञ मतलब वो होता है जो हर चीज सहन कर सकता है, उन्होंने ये बोला था कृष्ण जी ने। तो फिर स्थित प्रज्ञ वो होता है जो हर चीज सहन कर सकता है, बुद्धिमान हो बुद्धिमान, जैसे गणेश जी कुछ भी सहन कर सकते हैं मतलब
जैसे कि वो शिव जी ने उन्होंने गलत वो शिव जी ने उनका गला काट दिया था ना, वैसे ही वो यशस्थित प्रज्ञ। ठीक है, तो फिर अब देखिए, जो हमारे स्थित प्रज्ञ है, अर्जुन भी है, लेकिन वो डर रहे हैं। इसका मतलब है वो अभी सहन नहीं कर सकते। लेकिन बाद में उन्होंने गांडी उठा ली थी लास्ट में। ठीक है, तो फिर अभी मैं लास्ट की बात नहीं बताऊंगा। गांडी मतलब होता है बो एंड एरो, जो कभी टूटता नहीं है, और बो एंड एरो मतलब होता है जो कभी भी टूट सकता है एक एरो लगने पर, और गांडी मतलब होता है जो कभी भी एरो एरो लगने पर भी टूट नहीं सकता। इसलिए तो फिर तो फिर अभी हम इधर स्टॉप करते हैं। अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में मैं आपसे मिलता हूँ। जय श्री कृष्ण।